हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके हम आ गए। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा, जो बहुत टेस्टी बहुत क्रीमी बनके तैयार होता है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, यानी क्रीमी इसको कैसे बनाएंगे लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर यानी राजमा बनाने के लिए राजमा ले लिए हैं, 2 कप यहाँ पर राजमा लिए हैं। इसको रात भर हम रख दिए थे, अच्छे से फूल गया है। आप चाहें तो दिन में इसको 5-6 घंटे के लिए रख दीजिए, अच्छे से फूल जाता है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले राजमा को हम उबाल लेते हैं। तो ये कुकर ले लिए हैं, इसमें राजमा को डाल देते हैं। तो फ्रेंड, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इसमें हम राजमा डाल लिए हैं, और राजमा में पानी, राजमा के 1 इंच यानी ऊपर तक पानी रहे तो राजमा अच्छे से पक जाएगा। इसमें अब पानी डाल देते हैं राजमा में। ये देखिए, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड, और बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद आता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा इस तरीके से राजमा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बना लीजिएगा। तो यहाँ पर पानी डाल दिए हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं यानी टेस्ट और क्रीमी बनाने के लिए। तो एक आलू डाल देते हैं, छोटे छोटे पीस कट करके डालेंगे, बड़े नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड, आलू डाल दिए हैं। अब इसमें हम एक तेज पत्ता डाल देते हैं और 2 बड़ी इलायची डाल देते हैं और 1 दालचीनी डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम इसको बंद कर देते हैं, इसके लिड लगा देते हैं और गैस पर रख दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं। इसमें हम 6 सीटी लगाएंगे, फिर इसके बाद अगर नहीं पकेगा तो 1-2 सीटी और लगा देंगे। तो ये इसको यानी पक गया है, इसको रख दिए हैं ठंडा होने के लिए। इधर मसाला तैयार करने के लिए हमने पैन रख दिए हैं। पैन में 2 चम्मच हम घी डाले हैं और इसमें 1 चम्मच हम जीरा डाल देते हैं। जीरा अच्छे से चटक जाए, घी से क्या हो रहा है टेस्ट यानी टेस्ट अच्छा आता है। इसमें 2 प्याज डाल दिए हैं बड़ी साइज, इसको अच्छे से चला देते हैं। इसके यानी प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसको चलाएंगे। तो इसको नहीं चलाते रहना है, गैस को यहाँ पे मीडियम रखना है। देखिए इसके जो है तो कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 अदरक डाल देते हैं, अदरक का टुकड़ा, और 5 हम यानी लहसुन डाल देते हैं और मिर्च डाले हैं 1। आप चाहें तो मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर टमाटर डाले हैं 2 बड़े, इसको अच्छे से चला देते हैं। अगर आप छोटे टमाटर रहते तो इसमें 4 या 5 डाल दीजिएगा। तो इसको अच्छे से चला देते हैं। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं, जिससे जो है तो टमाटर अच्छे से गल जाए। तो इसको अच्छे से मिला देते हैं। अब इसको ढक के पका लेते हैं। तो देखिए अच्छे जो है तो टमाटर जो है तो पक गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको पीसेंगे। तो इधर देख लेते हैं राजमा पका है कि नहीं पका है, तो चेक कर लेते हैं। अगर आपका राजमा नहीं पका है तो 1-2 सीटी और लगा दीजिएगा तो अच्छे से पक जाएगा। तो राजमा यहाँ पर जो है तो पक गए हैं, अब इसको हम रख देते हैं। तो चलिए अब मसाला जो है तो बना लेते हैं। तो जो टमाटर हम पकाए थे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं मसाले, अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में लेके पीस लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। इसमें आप 2-3 चम्मच पानी डाल दीजिएगा तो अच्छे से पिस जाएगा। अब इसका जो है ढक्कन लगा देते हैं, अब इसको पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से मसाला जो है तो पिस गया है, अब इसको रख देते हैं। तो चलिए राजमा बना लेते हैं। तो राजमा बनाने के लिए इधर कढ़ाई रख दिए हैं और गैस ऑन कर दिए। इसमें हम 2 चम्मच घी डाले हैं, इसमें 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, इससे जो है तो कलर अच्छा आ जाता है। और जो हम मसाला तैयार करे थे पीसे थे वो मसाला डाल देते हैं अच्छे से। तो अब इसको चला देते हैं।
इसको चलाते रहना है। अब अच्छे से मसाला को जो है तो भून लेंगे, जो जिससे जो है तो टेस्ट अच्छा आता है मसाला को अच्छे से भूनने से। और इसमें कुछ यानी कुछ मसाले डाल देते हैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच डाले हैं यहाँ पर, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाले हैं। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं मसालों को, इसको चलाते रहना है। और इसको ढक के पका लेते हैं मीडियम गैस पे, यानी 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुका है, इसको अच्छे से चला देते हैं। देखिए तो चलिए अब इसमें राजमा डाल देते हैं। तो राजमा को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे यानी करछली की सहायता से, ये देखिए, जिससे जो है तो आलू अच्छे से मैश हो जाए। यानी राजमा को नहीं करना, आलू बस करना है। तो देखिए जो मसाले थे अच्छे से भुन चुके हैं, देख सकते हैं। यानी इस तरह मसाले भुनने से यानी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए अब इसमें जो राजमा उबाले थे अब इसको डाल देते हैं। नहीं इसको जो जिस पे पानी नहीं निकालना है राजमे, जिसमें उबाले थे पूरा डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, अब इसको ढक देते हैं, ढक के 5 मिनट तक इसको पका लेते हैं, जिससे राजमा में जो मसाले अच्छे अंदर तक चले जाएं, अच्छे से पक जाए मसाला और राजमा दोनों। तो देखिए फ्रेंड अब चेक कर लेते हैं, ये देखिए ग्रेवी भी अच्छी पक गई है, और आलू भी जो डाले थे तो आपको दिख नहीं रहे ना, एकदम से मैश हो चुके हैं। आलू भी अच्छे से पक चुके हैं, उसमें मैश यानी मिल गए हैं मसाले में। बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बन के तैयार हुआ था राजमा। आप इसको चावल, रोटी यानी आप मन पसंद किसी भी के साथ खा सकते हैं। मेरे बच्चे तो इसको ऐसे खाली खा रहे थे, उन लोग यानी बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी, सभी को पसंद आता है राजमा। आप जीरा राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं। इसमें 1/2 चम्मच हम राजमा मसाला डाल दिए हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसको अच्छे से मिला दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड एकदम राजमा बनके तैयार हो चुका है, कितना टेस्टी लग रहा है देख सकते हैं वीडियो में। तो चलिए एक इसको बाउल में निकाल लेते हैं। तो अगर आपके पास धनिया की पत्ती है तो इसको धनिया की पत्ती ऊपर से डाल दीजिए, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो देखिए लाजवाब राजमा बनके तैयार हो चुका है। आप लोग भी बनाइएगा, बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।